ग्रेटफुल फॉर दैट कि नायरा को लोगों ने इतना प्यार दिया. और आज भी यू नो अभी मैं इवेंट करके आई हूँ वाराणसी में, वहाँ पे भी आई लिटरली मतलब आई वॉज लाइक होल्डिंग माई टीयर्स ऑन स्टेज. पूरी ऑडियंस सब इतने सारे लोग थे, सब नायरा नायरा उठ कर रहे थे. हाँ बताया मोहत्सव पानी पूरी लवर और खुशहाल को भी पता चला था. तो हाँ जैसी मैं बस ऐसी बहुत रैंडमली मैंने बोला मुझे बहुत मन कर रहा है नीले घरे हम पानीपुरी वाला बुलवाते हैं और पानीपुरी वाला सेट पे था और पूरी यूनिट में हम सबने पानीपुरी खाई. हाँ यार अब जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, हम तो उस पर किसी को ना रोक सकते हैं. आपको अच्छा सोचना है सोचो, बुरा सोचना है सोचो, आई रियली डोंट केयर नाउ. बहुत अच्छा लगा. और डीकेपी ये रिश्ता मेरी फैमिली है, तो अपनी फैमिली के पास आके सभी लोगों से फैमिली के मेंबर्स से मिलके बहुत खुशी होती है. सो आई एम आल्सो वेरी हैप्पी. आई डोंट नो आई एम ब्लेस्ड. सर ने पूरी टीम ने मुझे हमेशा बहुत बहुत प्यार किया है और बस आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. सो सो मच आई डोंट नो दिस नॉट मच टू से अबाउट दिस आई रियली लाइक गॉट रेडी 20 मिनट्स एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट्स सो आई वोर इट. बहुत सारी यादें ताज़ा हुई. कई लोग हैं जिनसे मैं 7 साल बाद मिली हूँ, कई लोग हैं जिनसे 3-4 साल बाद मिल रही हूँ. सो उन सबसे मिलके यू नो वो सारी मेमोरीज, वो सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे मुझे. मैं तो सबको लिटरली कैरेक्टर नेम से बुला रही थी, ओ बुआ चाची पापा. तो बहुत अच्छा लगा. ऑफकोर्स मैं सचिन जी से मिली, उनकी वाइफ रक्षंदा जी उनसे भी मिली मैं. तो हाँ मतलब आई डोंट नो बट आई जस्ट वांट टू से दैट रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि नायरा को लोगों ने इतना प्यार दिया. और आज भी यू नो अभी मैं इवेंट करके आई हूँ वाराणसी में, वहाँ पे भी आई लिटरली मतलब आई वॉज लाइक होल्डिंग माई टीयर्स ऑन स्टेज. पूरी ऑडियंस सब इतने सारे लोग थे, सब नायरा नायरा उठ कर रहे थे, नायरा की स्टोरीज सुना रहे थे. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल. तो बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था मेरे लिए. बट यार आई एम ग्रेटफुल, मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा. मतलब नायरा एक सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, फिर नायरा एक इमोशन है, एक एहसास है. सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल टू मी. एंड आई थिंक जितने लोगों ने वो हमारा शो तब उस टाइम पे देखा, आई थिंक सब लोगों के लिए नायरा कार्तिक यू नो पूरी फैमिली सभी बहुत स्पेशल है. सो उसके लिए थैंक यू. मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी यार. आई थिंक वो पेयरिंग बहुत ही यूनिक थी, यूनिक डिफरेंट पेयरिंग थी, अनएक्सपेक्टेड सी पेयरिंग थी. हम लोग शुरुआत में यू नो बात करते थे कि पता नहीं कैसी लगेगी जोड़ी, कोई मैच नहीं है, कुछ नहीं है. बट बाद में लोगों ने बहुत पसंद किया हमारी बॉन्ड को, हमारी आराधना और रियांश की जोड़ी को. तो बहुत अच्छा लगा यार. ऑब्वियसली आप कुछ करते हो और अप्रिसिएशन मिलता है सो उसकी खुशी अलग ही होती है. ऑफकोर्स आई थिंक मैं लकी हूँ इस मामले में. एंड हाँ मैं मोहत्सव पानीपुरी लवर और खुशहाल को भी पता चला था. तो हाँ जैसी मैं बस ऐसी बहुत रैंडमली मैंने बोला मुझे बहुत मन कर रहा है नीले घरे हम पानीपुरी वाला बुलवाते हैं और पानीपुरी वाला सेट पे था और पूरी यूनिट में हम सबने पानीपुरी खाई. हाँ यार अब जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, हम तो उस पर किसी को ना रोक सकते हैं. आपको अच्छा सोचना है सोचो, बुरा सोचना है सोचो, आई रियली डोंट केयर नाउ. मतलब कि जिसको बुरा बोलना है आपको मैं बुरी लगती हूँ कोई बात नहीं. आपको मुझे नहीं देखना आप मत देखो. आप मुझे प्यार कहते हैं, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच. मैं ऐसी इंसान हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी मतलब आप मेरे लिए 1% कुछ करोगे ना, आई विल डाई फॉर यू. मैं 100% करूँगी आपके लिए. बट ठीक है अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, अगर आपको मैं बुरी लगती हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती, सो आई डोंट नो मैं उसके बारे में अगर कुछ कर सकती हूँ या नहीं. बट कोई बात नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है जिसकी जो मर्जी. बट प्यार करने की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा करते रहेंगे. उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ. सो थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक मेरी जर्नी में मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है. सो